और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब के तैनातियों के इख्तियार का आज खुद नोटिस ले लिया। जाली नैब अफसर जमानत के केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन नैब तैनातियों का इख्तियार रूल्स के तहत ही इस्तेमाल कर सकते हैं और नैब ऑर्डिनेंस के तहत 1999 से आज तक रूल्स नहीं बन सके। अदालती हुक्म में कहा गया है कि क्या चेयरमैन नैब आइन के आर्टिकल्स 240 और 242 को बालाए ताक रख सकते हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को अज खुद नोटिस अलग से समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। इलाहाबादी अदालत ने खुद को डीजी नैब इरफान मंगी जाहिर करने वाले मुलजिम नदीम अहमद की जमानत मंजूर कर ली। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता दिनों इसी केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने डीजी नैब इरफान मंगी से उनकी तालीम तनख्वाह और फौजदारी मुकदमात के तजर्बे से मुतालिक सवाल किया था, जिस पर इरफान मंगी ने बताया था कि वो एक इंजीनियर हैं और इन्हें फौजदारी मुकदमात का कोई तजर्बा नहीं।